मैं आश्वस्त करता हूँ जो आंदोलन समिति है और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी घोड़ा जो इसके नेतृत्व करता है उनकी तरफ से जिला सीकर व्यापार महासंघ को कि आपने इस बेटी की आवाज में जो अपना समर्थन दिया, इस अन्याय के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में आपने अपना समर्थन दिया, इसके लिए राजपूत समाज आपका कृतज्ञ है, आपका ऋणी है। और मैं और एक विश्वास आपको इस मंच के माध्यम से और हमारी समिति के माध्यम से आदरणीय गोयल साहब, प्रदीप पारिक साहब, आपको दिलाना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आप लोग हमें याद करोगे और नहीं भी याद करोगे तो हम आगे चल करके आपका ये ऋण निश्चित रूप से हम उतार नहीं सकते, लेकिन आपका सहयोग कंधे से कंधा मिला करके हम लोग करने के लिए सदैव तैयार और तत्पर रहेंगे। आदरणीय प्रदीप जी पारिक साहब, एक बार जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल करते हैं। परम आदरणीय राजेंद्र जी गुड्डा साहब, मेरे यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले बेहद विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा, आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा कि राजपूत समाज हमारे समर्थन का ऋणी रहेगा। ऋण किस बात का, जब किसी समाज के ऊपर हमला होता है, हमारी किसी बेटी का अपहरण होता है, हमारी बेटी के साथ कातिलाना हमला किया जाता है, हमारी बेटी के साथ लूट की घटना होती है, तो वो बेटी केवल अपने परिजनों की बेटी नहीं होती, वो बेटी हमारे पूरे समाज की बेटी होती है और पूरे समाज को इस अनाचार, अत्याचार और अपराध की विभत्स घटना के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। राजेंद्र जी गुड्डा साहब, मैं कहूंगा कि ये व्यवस्था के खिलाफ उनकी एक बहुत बड़ी आवाज है, बहुत बड़ी लड़ाई है और हम इस व्यवस्था के खिलाफ आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी लड़ाई को मजबूत दें, उनके इस संघर्ष के आराम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहें। और इस लड़ाई में जब वो इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इस लड़ाई को आप लोगों के साथ लड़कर सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थीवत हो, चाहे समाज का क्षेत्र का कोई भी वर्ग हो, वो इस लड़ाई में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। राजेंद्र जी, मैं तो आपके विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी तो आपके हौसलों में जान बाकी है, यह तो दौड़ पर थी, आगे तो अभी उड़ान बाकी है। अपराध की बहुत सी एक एक बात घटनाएं सीकर की इस धरती के ऊपर घटित हुई है, बहुत से इन अपराध की घटनाओं को लेकर मैंने समाज के सर्व समाज के साथ में व्यापार संघ ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से कुछ समय पहले एक गरीब बच्ची का अपहरण एक गरीब बस्ती से हुआ था और उस बच्ची का अपहरण करने के बाद में मेरे साथियों ने और हम लोगों ने संघर्ष किया और 2 दिन तक आप अनशन रहकर हम लोगों ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस व्यवस्था से लड़ाई की बात आप लोगों से कर रहा था, आज हमारी जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, मैं उसे नाकाफी मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि आज जो अपराध की एक के बाद एक निरंतर घटनाएं सीकर की धरती पर घटित हो रही है, उसमें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नाकारा और लापरवाही का परिणाम है जो आज सीकर की धरती अपराध के रंग से रंगी हुई है। कितने ही अपराध हमारी इस धरती के ऊपर रोजाना एक आम जीवन की खतरा बन गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अपराधियों के प्रति जो पुलिस का खौफ अपराधियों के दिलों में होना चाहिए था,
आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपराध जो के पति पुलिस के दिलों में उन अपराध का खौफ क्यों है? आप हमें सबसे बड़ा सवाल करना चाहते हैं और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आप लोगों का आभारी हूँ, राजेंद्र सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस सामाजिक संघर्ष के लड़ाई को एक जन चेतना के रूप में, एक मसाल के रूप में आप लोगों के सामने जलाया है और इस मसाल की इस ज्योति को और इस प्रज्वलन को हम सब लोगों को मिलकर और सब समाज को मिलकर इनके साथ कंधे से कंधा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमारी सीकर की धरती अपराध से मुक्त होगी। और मैं कहना चाहता हूँ एक बात और कि यदि आपको यह तो सीकर बंद की बात है, यदि सीकर के व्यापारियों को अनिश्चितकालीन रूप से भी यदि अपनी दुकानें बंद कर अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके यदि आप लोगों के साथ लड़ाई लड़नी पड़े तो हम इस लड़ाई को लड़ने के तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पारिक साहब। निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ जब कोई जोत जगाता है और मसाल उठाता है तो कैसे सात्विक पुरुषों का समूह बनता जाता है, ये इस बात का प्रमाण है। ये मानव धर्म है। जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ निश्चित रूप से वो सर्व समाज की बेटी है और जिन लोगों ने इस अपराध को कारित किया निश्चित रूप से उनकी कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, कारित करने वाले लोगों की कोई जाति नहीं। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो सहयोग और समर्थन दिया है उसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।